हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे करीब 2 महीने तक चलने वाला इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि अब अपने अंतिम मुकाम तक आ गई है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे टूर्नामेंट का लास्ट लीग मैच खेला जाएगा, टूर्नामेंट की 2 सबसे बेस्ट और टॉप टीमों के बीच में, जिन्होंने पूरे सीजन में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया, दोनों टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई भी कर चुकी है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे मैच नंबर 70 में, जो कि राजस्थान और कोलकाता के बीच में जंग होगा, और अगर राजस्थान यह मैच जीत जाती है तो इन्हीं दोनों टीमों के बीच में क्वालिफाई भी वर्न हो सकता है। IPL का 17वां मुकाबला, जो कि 19 मई को गुवाहाटी के बरसापरा स्टेडियम में खेला जाएगा, इस साल का यहाँ दूसरा मैच हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको टॉस में सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 29 मैच खेले गए, जिसमें से राजस्थान 14 मैच जीत के आ रही है, तो कोलकाता भी 14 मैच जीत के आ रही है। अब बात करते हैं इनके पिच रिपोर्ट, जहाँ पे बरसापरा स्टेडियम का पिच बॉलिंग फ्रेंडली माना जाता है, यहाँ पे स्ट्रोक प्ले इजी होता है, बॉल बैट पर सही तरीके से आती है, और जैसा हमने भी देखा है कि लास्ट मैच में यहाँ जो खेला गया था राजस्थान और पंजाब के बीच, वो काफ़ी लो स्कोरिंग मैच था, राजस्थान की टीम बस 144 रन ही बना पाए थे। स्पिनर्स को यहाँ पे खासा हेल्प मिलता है। वहीं अगर बात करें इनके वेदर रिपोर्ट की, तो जहाँ पे मैच के में मौसम थोड़ी सी नमी हो सकती है, बारिश की भी संभावना है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी 62% रहेगा और टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फॉर्स का यहाँ पे 33% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फॉर्स का यहाँ पे 67% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का स्कोर 180 है, वहीं पर सेकेंड इनिंग का स्कोर 159 है। दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम राजस्थान रॉयल्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। पहले 9 मैच में से 8 मुकाबले जीतने वाले राजस्थान की टीम विजय रथ को पिछले 4 मैचों में ब्रेक लग गया, टीम लगातार 4 मैच हार गई है। हालांकि टीम पहले ही प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है, टीम को अगर टॉप 2 में प्लेस श्योर करना है तो यह मैच जीतना ही होगा। अब टीम 13 मैच में 7 जीत कर नंबर 2 पे स्टेबल है। टीम को बड़ा झटका लगा उसका स्टार बैटर जॉस बटलर, जो कि वापस इंग्लैंड लौट चुके हैं, उनकी जगह कॉलर कैटमोर को चांस मिला था। ओपनिंग में बात करेंगे जो कि यशस्वी फ्लॉप चल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में टीम की ताकत संजू सैमसन, रियान प्राग, यही दोनों बैटर जो प्राग ने 531 रन बना के टीम के लीडिंग स्कोरर भी है। यहाँ पे सिमरन हेटमायर को भी ड्रॉप कर दिया, उनकी जगह पे डोवन फ्रेरियो को चांस मिला था। रोहन पॉल भी अब तक इफेक्टिव इनिंग नहीं खेल पाए। बॉलिंग में टीम बस 5 रेगुलर बॉलर के साथ खेल रही है, सभी बॉलर विकेट भी ले रहे हैं। वहीं पर ट्रेंट बोल्ट, जो कि 13 मैच में 12 विकेट लिए, जहां पे संदीप शर्मा अवेश खान के पिच पर बाउंस करा सकते हैं। स्पिन बॉलिंग में अश्विन और चहल खेल रहे हैं, चहल ने 17 विकेट के साथ टीम के टॉप विकेट टेकर भी है। अब बात करते हैं स्थान का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि यशस्वी जायसवाल है, कॉलर कैट मोर है, संजू सैमसन, रियान प्राग है, ध्रुव जुरेल है, अवेश खान है, रोविन पॉवेल है, रविचरण अश्विन है, युजवेंद्र चहल है, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट है। वहीं अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे, जो कि केशव महाराज है, डिनॉन फ्रेरिया है, कुलदीप सेन है, नवदीप सैनी है, नादरे बर्गर है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि संजू सैमसन, रियान प्राग, यूजी चहल है। अब आगे बात करते हो दूसरी टीम यानी कोलकाता नाइट राइडर्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार अपने परफॉर्मेंस से सभी टीमों को सरप्राइज किया। गौतम गंभीर ने टीम का मिड सेट चेंज कर दिया, टीम ने सबसे पहले प्लेऑफ में क्वालिफाई किया, टीम इस साल टूर्नामेंट में गजब का परफॉर्मेंस भी कर रही है। टीम ने अब तक 13 मुकाबले में से 9 मुकाबले जीत के आ रही है, अपने 19 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे स्टेबल है। टीम का लास्ट गेम में 22 के चलते धूल हो गया था, टीम पहले ही क्वालिफाई में जगह बना चुकी थी। प्लेऑफ से पहले टीम को बड़ा झटका लगा, टीम का स्टार बैटर जो है फिलिप सॉल्ट, जो कि पाकिस्तान सीरीज के लिए खेलने के लिए वापस इंग्लैंड लौट गए। वहीं पर ओपनिंग में बात करें, जो कि वो ऑस्ट्रेलिया मिलकर इस साल टीम को बेहतरीन स्टार्ट दे रहे थे, अब टीम को एक न्यू ओपनिंग प्लेयर के साथ स्टार्ट करना होगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा क्या टीम पहले जैसी खेलती है नहीं। मिडिल ओवर में जहाँ पे वेंकटेश अय्यर भी अब तक 267 रन बना चुके हैं, श्रेयस अय्यर भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लोअर ओवर में जहाँ पर रिंकू सिंह, एंड्रे रसल को ज़्यादा बैटिंग नहीं मिला अब तक। बॉलिंग में बात करें, टीम 5 बॉलिंग ऑप्शन के साथ मैदान में उतर रही है, टीम के 5 बॉलर जो कि 10+ विकेट ले चुके हैं। मिचेल स्टार्क के परफॉर्मेंस में कंटिन्यूटी नहीं है, हर्षित राणा टीम के लिए सबसे यूजफुल रहे, उन्होंने अब तक 16 विकेट लिए हैं। स्पिन बॉलिंग में जहां पर सुनील नारायण, जो कि अब तक 15 विकेट लिए, वहीं पर वरुण चक्रवर्ती 18 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है। अब बात करते हैं कोलकाता का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि नीतीश राणा, सुनील नारायण है, एंग्रीस रघुवंशी है, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, एंड्रे रसल,
रमनदीप सिंह है, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क है। अगर इम्पैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि अनुकूल रॉय है, सुहास शर्मा है, वैभव अरोरा, गुरबाज है, मनीष पांडे। अब बात करते हैं कि कुछ की प्लेयर देखते हैं जो कि सुनील नारायण है, वरुण चक्रवर्ती है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर कोलकाता नाइट राइडर्स होगा। यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।